अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, फिट फाट हैं। बड़े दिनों बाद व्लॉग बनाना शुरू कर रहा हूँ और कुछ देर हो गई थी मसरूफियत की वजह से व्लॉग बनाने चाह मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ अपनी मुर्गियाँ। और आज हमारे घर में एक आया है नया मेहमान, तो मैंने जो कबूतरों का जोड़े रखे हुए थे उसमें से एक बच्चा निकल आया, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुर्गियों को मैं खोलता हूँ। ये इनके लिए कुछ पालक काटी हुई थी मैंने, ये इनको डाल देते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह ये छोटे छोटे चूजे लाया था तो वो बड़े हो गए हैं। ये इनमें से तीन मुर्गे निकले हैं और बाकी जो है वो छह मुर्गियां निकली हैं, तो टोटल नौ हैं। तो ये मुर्गियां एक दो हैं जो अंडों के काबिल हो गई हैं। तो अब जो मेहमान आया घर में, मैं उसका उसको भी आपको दिखाता हूँ। पहले ये मुर्गियाँ देखें, माशाल्लाह ये इनका केज है। बाकी ये जो ऊपर जो है ये मैंने खाने बनाए हैं कबूतरों के लिए, ये इसके ऊपर पिंजरा वगैरह भी बनाएंगे इस तरह करके, तो फिर कबूतरों को ऊपर शिफ्ट कर देंगे। चलो आओ मैं दिखाता हूँ आपको नया मेहमान। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वाला जो है ये मैं जोड़ा लेके आया था, कबूतर भी इसी तरह का था और ये इनको मैंने एक माह रखा तो उसके बाद मैंने जब इनको खुला छोड़ा तो इस सामने एक कबूतर है अगली गली में, उन्होंने भी कबूतर रखे हुए हैं, वहाँ जाके बैठ गया। तो फिर मैं लेके आया एक, लेकिन एक का पता नहीं चला एक किधर गया। फिर एक दोस्त था मेरा, उसने भी रखे हुए थे, उसने कहा यार मैं आपको कबूतर दे देता हूँ ताकि आपका पेयर बन जाए। तो फिर ये वाइट वाला कबूतर जो है ना ये दोस्त से लिया, और ये पहले का था मेरे पास, इन दोनों का पेयर बन गया। और ये मैं नहीं लेके आया था, ये भी एक पेयर है। तो इन्होंने अंडे दिए हुए थे, अंडे से एक बच्चा निकल आया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, आप देखिए इसको साइड पे, ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी इसकी आंखें भी खुल गई हैं। ये कम से कम ये जो वो तकरीबन 5-6 दिन का हो गया हुआ है, तो दूसरे अंडे में से नहीं निकल रहा, मेरा ख्याल वो ख़राब है, उसको भी चेक करते हैं। ओ भाई ये क्या कर दिया है, ये देखें कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ। इसको हम वापस रखते हैं। चल 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 जा, ये अंडा इसका, ये इसको भी चेक कर ले अंडे को। नहीं नहीं इसमें सब पानी की मतलब आवाज़ है जैसे अंडा है, मेरा ख्याल है ये ख़राब हो गया हुआ है। इसको धूप में करके चेक करता हूँ, ये ख़राब है। एक दो दिन के वक्फे से निकल आते हैं बच्चे, लेकिन इसको अंडे को तकरीबन 6 से 7 दिन ऊपर हो गए हैं और इसमें से है नहीं, इसको उठा देते हैं उससे, इसको रख दें हम इधर। और ये माशाल्लाह ये आपको चेक करवाया और पोटा भी भरा हुआ है इसका, अभी कबूतर इसको खाना खिला रहा था। उसको खाना खिला रहे हैं, मुंह में खाना इकट्ठा करके ना उसको नरम करके फिर उसको खिला रहे हैं।
वो देखो उसको खाना लगा हुआ है, मुंह को भी लगा हुआ है ना। तो माशाल्लाह ये कबूतर है और वो कबूतरी है, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसे पाल रहे हैं। तो बड़ी खुशी होती है जब खुद के पाले हुए कोई भी जानवर परिंदे हों तो उनमें से कोई अंडे दे दें या बच्चा निकले, बड़ी खुशी होती है। और माशाल्लाह पानी भी मैंने साथ रखा हुआ, दाना भी साथ रखा हुआ, और ख़त्म नहीं होने दे रहा और ख़त्म आप भी ना होने दें। अगर आपने परिंदे कोई ऐसे रखे हुए हैं और बच्चे निकल आए हैं तो पानी और दाना ख़त्म ना होने दें। उसकी वजह से ये है कि उन्होंने छोटे बच्चे को फीड करवानी होती है तो कोई मसला ना बने, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। आज का मैं यही छोटा सा व्लॉग बना रहा था, कल मैं अब जा रहा हूँ पिंजरा लेने, कल का व्लॉग भी बनाऊँगा इंशाल्लाह, पिंजरा लेके आऊँगा और उसमें से और उसमें परिंदे लाने, बस अब काम स्टार्ट हो गया। और जो चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें यार, सब्सक्राइब कर दिया करें, हौसला अफजाई हो जाती है। और वीडियो को भी लाइक कर दें और शेयर भी करें, इंशाल्लाह आगे बहुत मज़ा आने वाला है। सब परिंदे सब जानवर इंशाल्लाह मैं रखूँगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, एक दफ़ा दोबारा कह रहा हूँ। ओके, आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।